हेलो फ्रेंड्स, आज हम आमेर फोर्ट जयपुर आए हैं, जो कि ये फोर्ट 11 किलोमीटर्स सिटी से दूर है। और जयगढ़ का फोर्ट और आमेर फोर्ट दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स हैं। और जयगढ़ का फोर्ट जो है वो ये जो ऊपर देख रहे हुए हैं, और ये जो माउंटेन के ऊपर वर्टिकल वॉल बना करके उन्होंने, ये ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स का वॉल है, ये 11 to 12 किलोमीटर्स, और ये दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स कंसिडर किए जाते हैं। और आमेर के फोर्ट से जयगढ़ के फोर्ट के लिए इंटरनल टनल जो है हुई राजा यूज़ करते थे एस्केप के लिए, अगर उनके पैलेस पे अटैक हो जाए तो टनल के थ्रू फोर्ट में चले जाया करते थे। पैलेस में राजा और उसकी फैमिली रहती थी, और फोर्ट में सिपाही लोग जो थे, सेना, वो रहा करती थी। और ये जो पैलेस के नीचे मटवा लेक है, मटवा सागर जिसे बोलते हैं, तो सारे माउंटेन्स का जो पानी है वो जब इकट्ठा होकर के नीचे लेक फॉर्म कर देता था। और इसी मटवा लेक के, ये जो मटवा लेक है, इसके इसके नॉर्थ में जो है ये दिलाराम बाग है, और दिलाराम बाग, और सेंटर में इसके केसर क्यारी है। इसमें केसर की खेती राजा ने करवाई थी लेकिन हुआ नहीं। और ये हम अंदर आ गए हैं। अंदर आने के लिए जो गेट यूज़ करते हैं वो है सूरज पॉल, पॉल मतलब गेट, तो और उसके अपोजिट में चंद्र पॉल है। और पैलेस के अंदर जाने के लिए सिंह पॉल, और यहाँ पे एक गणेश की मूर्ति लगी हुई है जिसमें उसको गणेश पॉल, तो इतने गेट्स हैं यहाँ पे। और पैलेस में आने के लिए तीन रास्ते हैं, एक तो पैदल आ सकते हैं, दूसरा हाथी के लिए रास्ता है, और गाड़ियों के लिए गाँव के थ्रू। और ये हम ऊपर से व्यू देख रहे हैं माउंटेन का, ये सर्वेंट क्वार्टर्स का एरिया है, यहाँ पे जो सर्वेंट्स लोग थे वो यहाँ रहा करते थे। और ये बुकिंग काउंटर है, यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। वाटर स्टोरेज के लिए, पानी के लिए जो नीचे मोटा लेक थी, मोटा लेक क्योंकि मोटा बैनियन ट्री को बोलते हैं, तो उसके नाम पे उस लेक का नाम पड़ा। अभी तो बैनियन ट्री रहा है नहीं वहाँ पे, लेकिन वो लेक कभी भी है, और बारिश के टाइम में उसका लेवल बढ़ जाता है। वहाँ से पैलेस के अंदर से पानी सप्लाई किया जाता था। तो तीन स्टोरेज टैंक है पैलेस में, एक दीवान एरिया में, एक जलीब चौक में, और एक मानसिंह पैलेस के नीचे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स हैं। और जानवरों के थ्रू, एनिमल पावर के थ्रू पानी ट्रांसफ़र किया जाता था। और ये जो अब आ गए हैं ये है दीवाने आम, यहाँ पे महाराज जो थे वो लोगों की परेशानियाँ सुना करते थे, लोगों के साथ, जनता के साथ भेंट करते थे दीवाने आम। तो ये मुगलई और पारंपरिक हिंदू जो कंस्ट्रक्शन शैली है उसमें मिक्स करके बनाया गया है, तो इसमें दोनों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। और जो ऊपर दीवारों में और छत में जो नक्काशी की गई है, जो पेंटिंग और ड्राइंग की गई है, उसमें गोल्ड के जो पाउडर डस्ट है उसको यूज़ करके किया गया, तो अभी भी ये उतनी देखने में चमकीले और शानदार देखने में लगते हैं। और इस किले का निर्माण जो है वो 1589 में शुरू हुआ और 1727 में इसका निर्माण ख़त्म हुआ, और ये मानसिंह जी ने बनवाया था, और इसमें बाद में एडिशन सवाई जयसिंह जी ने किया। और ये 27 कचहरी हैं, यहाँ पे मिनिस्टर्स लोग बैठा करते थे, और मिनिस्टर लोग जो राजपाट देखते थे यहाँ से। और ये मोटा लेक है, और इसमें ये बीच में ये केसर क्यारी है, तो केसर क्यारी में केसर की खेती राजा ने करवाई थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई, लेकिन उसका नाम अभी वही केसर क्यारी है। और ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया, सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं है, छोटी कम ऊंचाई होती, तो बच्चे और बूढ़े आराम से इसमें यूज़ करके चढ़ सकते हैं। और ये आप इसका यहाँ पे इसी लेवल पे हमाम की भी सुविधा दी है, टर्किश बाथ, तो गर्म पानी लकड़ियों के द्वारा गर्म किया जाता था, और उसको यहाँ पे अंडरग्राउंड चैनल्स और नालियाँ थी जिनके थ्रू पानी जो है वो हमाम तक पहुँचाया जाता था। और ये हमाम का रूम्स हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, इनमें पैलेस के लोग हमाम का आनंद लिया करते थे।
यहीं पे दीवाने खास और शीश महल भी हैं, और शीश महल जो है वो बेल्जियम ग्लासेस का यूज़ किया गया है इसमें, और ग्लासेस के पीछे सिल्वर की पॉलिश है जिससे कि रिफ्लेक्शन हो, और सीलिंग में वॉल्स में सब जगह इसकी नक्काशी की गई है, और जब लाइट इन पर पड़ती हैं तो ये सब एक साथ चमकते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं वो ब्लिंक कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और इसमें जो अनुभव आता है कि दिन में सितारे दिखने का, और उस समय तो कैंडल की लाइट यूज़ किया, कैंडल या अलग रोशनी यूज़ की जाती थी। तो यहाँ पे महाराज जो हैं वो रानियों के साथ समय व्यतीत किया करते थे। ये इसको शीश महल कहते हैं, शीश महल। और यहीं पे शौचालय की भी, इसी लेवल पे शौचालय की भी जरूरत थी, तो यहाँ पे जो महल में जो पानी आता था वही चैनल्स के थ्रू यहाँ पे डाइवर्ट किया जाता था। और ये दीवाने खास का सुख मंदिर है, इस सुख मंदिर, इसमें समर पैलेस भी इसको कहते थे, तो इसमें बहुत अच्छी ठंडी हवा समर के टाइम में चलती थी। और इसके सामने में एक गार्डन है, और इसमें खस के वो पर्दे लगाए जाते थे और उसमें पानी का छिड़काव होता था, जैसे जब हवा चलती थी तो सुगंधित और ठंडी हवा जो है सबको आनंद मिलता था। तो इसमें समर में राजा जो थे रानियों के साथ यहाँ पे रहा करते थे। और मुगल शैली में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन किया है वहाँ पे बागों का बहुत उपयोग किया है, तो इसके सामने भी बागों का कंस्ट्रक्शन किया है, और ये बाग आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम लोग मानसिंह पैलेस चलते हैं। ये मानसिंह पैलेस है, और यहाँ पे वो 12 रानियों के साथ रहा करते थे। तो सभी रानियों का एक इंडिविजुअल रूम था, और मानसिंह जी का भी ऊपर एक कक्ष था, और ये नीचे का इसको लोग मिलने के लिए, रानियाँ लोग राजा से मिलने के लिए कॉमन स्पेस की तरह यूज़ करते थे। और यहाँ पे शाम में मार्केट लगता था, इसको जनाना ड्योरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही अलाउड थी और मेल्स की यहाँ पे एंट्री नहीं थी। और जो महाराज के कक्ष से बारह रानियाँ के कक्ष तक जाने का अलग अलग कॉरिडोर थे सबके, और दूसरी रानी को पता नहीं चलता था महाराज किस रानी के पास हैं, किस कॉरिडोर से किस रानी के पास गए हैं, तो ये ऐसे प्राइवेसी मेंटेन की जाती थी। और ये जनाना ड्योरी, यहाँ पे फीमेल्स का लिविंग क्वार्टर्स है, और ये तो इसका कंस्ट्रक्शन महाराजा मानसिंह ने कराया, और उसके बाद उन्होंने शीश महल, और उसके बाद गणेश पोल, फिर चांद पोल, सूरज पोल, ऐसे करके उन्होंने सब कंस्ट्रक्शन कराए। और जब इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ 1727 में, उसके बाद वो जयपुर शिफ्ट हो गए, जयपुर में सिटी पैलेस है जहाँ पे, और इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने ये पैलेस और फोर्ट अपने हाथ पर ले लिया, और प्रेजेंटली सिटी पैलेस एंड जयगढ़ फोर्ट ही ब्लूज़ के अंडर है, बाकी सब गवर्नमेंट ने अपने अपने अंडर लिया हुआ है।